मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि प्रदेश में तीसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है, वैक्सीनेशन तेजी से हो रहा है, अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था है, मुख्यमंत्री के निर्देश पर हेल्थ वर्करों को ट्रेनिंग दी जा रही है, ऑक्सीजन प्लांट के इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। एम्स में शवों के पोस्टमार्टम को लेकर उन्होंने कहा कि महामारी में रिसर्च और स्टडी जरूरी, एम्स की रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे हैं। नर्सों की हड़ताल को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार में किसी को कोई धमकी नहीं दी जाती है और हम नर्सों के साथ संवाद करके उनसे बातचीत करेंगे। इस समय हड़ताल करना ठीक नहीं है, नर्सों के मामले में कोई दिक्कत नहीं। कोविड की स्थिति नियंत्रण में है, पर कोविड का संक्रमण है और ये भी ज़रूरी है कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। देखिए, हमने थर्ड वेव की नियंत्रण की पूरी तैयारी की हुई है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी से हो, और यदि थर्ड वेव आती है तो हमने उसकी संस्थागत पूरी तरह से तैयारी की हुई है और ये सुनिश्चित किया है कि हर अस्पताल में बिस्तरों की समुचित मात्रा हो, पीकू जो पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट के आईसीयू हैं उसकी भी समुचित व्यवस्था हम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हेल्थ वर्कर की पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। बच्चों में यदि ये संक्रमण होता है तो उनके पेरेंट्स की, जो होम आइसोलेशन में रहेंगे बच्चे, उनके पेरेंट्स की ट्रेनिंग का भी हम मॉड्यूल तैयार कर रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट का इंस्टॉलेशन बहुत तेज़ी से चल रहा है, ऑक्सीजन जनरेशन से लेकर ऑक्सीजन स्टोरेज तक की कैपेसिटी हम मध्य प्रदेश में बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से महामारी में या किसी भी बीमारी में रिसर्च और स्टडी, भविष्य में ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, और एम्स की जो रिपोर्ट है निश्चित रूप से हम उस पर समुचित विचार कर मेडिकल कॉलेज के माध्यम से भी आगे आने वाले समय में क्या कुछ कोरोना के इलाज में हमें जोड़ना चाहिए या क्या कुछ हमें प्रोटोकॉल में और परिवर्तन करना है, इसकी पूरी स्टडी हम कराएंगे। पहले भी हम मेडिकल कॉलेज के माध्यम से कोरोना को लेकर विस्तृत स्टडी करा रहे हैं, और केवल कोरोना ही नहीं बल्कि म्यूकोर माइकोसिस, ब्लैक फंगस का भी ट्रीटमेंट ठीक हो और उसकी भी हम पूरी स्टडी और उसको लिपिबद्ध कर रहे हैं। देखिए, हमारी सरकार में किसी को कोई धमकी नहीं दी जाती और नर्सों के साथ संवाद चल रहा है और जल्द से जल्द स्थितियां सामान्य हो जाए। देखिए, इस समय पर हड़ताल तो बहुत ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार तो संवाद कर ही रही है और नर्सों के मामले में कहीं कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत है नहीं। मुझे लगता है सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।